आज के इस वीडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम भाषाई विविधता पर चर्चा करेंगे। भाषाएं महज शब्दों से आगे बढ़कर संस्कृति, राय, विचार और ज्ञान का प्रतीक हैं। यद्यपि भारत में अंग्रेजी ने बहुभाषी समुदायों को एकजुट किया है, लेकिन आज भी भाषा संबंधी बाधाएं बनी हुई हैं, जिससे यह सवाल उठता है, मानवता को एकजुट करने के लिए एक सार्वभौमिक भाषा क्यों नहीं? टॉवर ऑफ बैबेल की बाइबल कहानी एक आम भाषा की शक्ति को दर्शाती है। वर्तमान में 7,000 भाषाएं विद्यमान हैं, जिनमें से कई लुप्त हो रही हैं। यह अनुमान है कि एक सदी के भीतर 35,000 से कम लोगों के द्वारा बोली जाने वाली लगभग 40% भाषाएं विलुप्त हो जाएंगी। ध्यातव्य है कि अंग्रेजी का वर्चस्व भाषाई विविधता को चुनौती दे रहा है। भाषाई विविधता सूचकांक ILD भाषाओं के विलुप्त होने की प्रवृत्तियों को मापता है। भाषाई विविधता सूचकांक दो लोगों की अलग अलग मातृभाषा साझा करने की संभावना का आकलन करता है। कम LDI कम विविधता का संकेत देते हैं। भारत में इसका मान अमेरिका की तुलना में अधिक है, अर्थात भाषाई विविधता में भारत संपन्न देश है। विश्व स्तर पर 1970 से 2005 तक भाषाई विविधता में 20% की गिरावट आई है। अमेरिका में स्वदेशी भाषाओं में 60% से अधिक, प्रशांत क्षेत्र में 30% और अफ्रीका में लगभग 20% की गिरावट आई है। भारत में 42 भाषाएं जो मुख्य रूप से स्वदेशी आदिवासी समूहों द्वारा बोली जाती हैं, विलुप्त होने का सामना कर रही हैं। भाषा विविधता को खतरा भाषा पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय विशेषताओं, मानव संशोधित परिदृश्य और सामाजिक आर्थिक संकेतक जैसे कारकों पर निर्भर करता है। प्रमुख भाषाएं छोटी भाषाओं का स्थान ले लेती हैं, जिससे भाषाई विविधता और सांस्कृतिक ज्ञान नष्ट हो जाता है। कुछ भाषाओं में तो केवल एक ही मूल वक्ता बचा है। भाषा इतिहास सांस्कृतिक ज्ञान और पहचान का प्रतीक है। लुप्त प्राय भाषाओं को पुनर्जीवित करने के प्रयास संस्कृति को मजबूत करने की आशा प्रदान करते हैं। 2022 में लॉन्च किया गया यूनेस्को का स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक भाषाई विविधता का जश्न मनाने, पुनर्जीवित करने और सुरक्षित रखने का आह्वान है। सांस्कृतिक समृद्धि और ज्ञान के लिए भाषा का संरक्षण महत्वपूर्ण है। हमारी वैश्विक सांस्कृतिक विविधता के लिए भाषाई विविधता का संरक्षण आवश्यक है। लुप्त प्राय भाषाओं के दस्तावेजीकरण के प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भाषा के नुकसान को रोकना किसी समुदाय की विरासत की सुरक्षा करता है, जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। वीडियो टेप, ऑडियो टेप और लिखित रिकॉर्ड के माध्यम से लुप्त प्राय भाषाओं के दस्तावेजीकरण के प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह जरूरी है कि दुनिया भाषाओं और उनकी प्रतिनिधित्व करने वाली सांस्कृतिक विरासत के लुप्त होने को रोकने के लिए कदम उठाए। ऐसा करके हम भावी पीढ़ियों के लिए अधिक विविध और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध वैश्विक समुदाय सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद।